नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर ब्रिटेन में आपका स्वागत है। आइए निकालते हैं आज की खास खबरों का। कंगना के भीख में आजादी वाले बयान पर बोले नवाब मलिक, सरकार करे गिरफ्तार, वापस ले पद्मश्री अवार्ड। अभिनेत्री कंगना रनौत ने 1947 में मिली आजादी की तुलना भीख से करते हुए कहा था कि 1947 में मिली आजादी आजादी नहीं भीख थी और असली आजादी तो 2014 में मिली है। रेसलर निशा दहिया मर्डर केस में मुख्य आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार, हरियाणा पुलिस ने घोषित किया था 1,00,000 का इनाम। हरियाणा के सोनीपत में एक पहलवान, उसकी मां, उसके भाई को गोली मार दी गई। गोली लगने से खिलाड़ी और उनके भाई की मौके पर ही मौत हो गई। सलमान खुर्शीद की किताब पर भारी बवाल, एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा नहीं बिकने देंगे किताब। मुंबई में बीजेपी का प्रदर्शन, सलमान खुर्शीद की किताब ने नया सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। किताब में हिंदुत्ववादियों की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों की जिहादी इस्लाम वाली सोच से की गई। अमित शाह के यूपी दौरे पर अखिलेश का तंज, लखीमपुर की जीप में बीजेपी का पराजय जुलूस निकालेगी जनता। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में भाजपा की हार का डर जितना बढ़ेगा उतने ही यूपी में भाजपा के नेताओं के दौरे भी बढ़ेंगे। यूपी की जनता लखीमपुर की जीप में भाजपा का पराजय जुलूस निकालेगी। राहुल गांधी बोले हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग, बीजेपी आरएसएस की विचारधारा खतरनाक। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग हैं। पीएम मोदी ने लॉन्च की आरबीआई की दो स्कीम, कहा देश में निवेश के दायरे का होगा विस्तार। पीएम मोदी ने कहा जिन दो योजनाओं को लॉन्च किया गया है उनसे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और निवेशकों के लिए कैपिटल मार्केट तक पहुंच बनाना आसान होगा। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में बोले राहुल गांधी, आरएसएस की विभाजनकारी और नफरत की विचारधारा कांग्रेस के प्रेम और राष्ट्रवाद पर हावी। राहुल गांधी ने कहा कि आज आरएसएस की विभाजनकारी और नफरत की विचारधारा कांग्रेस के प्रेम और राष्ट्रवादी विचारधारा पर हावी है। हालांकि हमारी विचारधारा जिंदा है, उसे मिटा नहीं पाए। कोविड 19 बूस्टर डोज को लेकर जल्द तैयार होगी पॉलिसी, क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों पर सीडीएससीओ का एनालिसिस जारी। कोरोना के खिलाफ बूस्टर डोज को लेकर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन जल्द एक पॉलिसी तैयार करेगी। भारत बांग्लादेश सीमा पर गो तस्करी के दौरान एनकाउंटर, बीएसएफ ने दो बांग्लादेशी समेत तीन तस्करों को किया ढेर। सबसे पहले तस्करों ने उन पर लोहे की रोड और लाठियों से हमला किया था, जिसके बाद अपनी जान बचाने और चोट से बचने के लिए बीएसएफ जवानों को फायरिंग करनी पड़ी। जिन्ना विवाद में कूदे असदुद्दीन ओवैसी, कहा देश के विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर ने कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया होता तो विभाजन नहीं होता। पंजाब में 10वीं कक्षा तक पंजाबी भाषा अनिवार्य, नियम न मानने पर लगेगा 2,00,000 का जुर्माना। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि कार्यालयों में पंजाबी अनिवार्य है, साथ ही राज्य के सभी बोर्डों के ऊपर पंजाबी लिखा जाएगा। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,516 नए केस दर्ज, 501 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 12,516 नए केस सामने आए हैं, वहीं 501 लोगों की मौत हो गई। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 1,37,146 है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का किया स्वागत, दुनिया भर के देशों से मदद की जताई उम्मीद। भारत को बहुत ही महत्वपूर्ण देश बताते हुए तालिबान ने भारतीय अफगानिस्तान सम्मेलन के बाद कहा कि वे भारत सरकार के साथ अच्छे राजनयिक संबंध चाहते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने की संभावना, अगले दो दिनों तक स्थिति रहेगी गंभीर। दिल्ली के प्रदूषण का लेवल बेहद खतरनाक होता जा रहा है, अगले दो दिनों के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर या बेहद खराब श्रेणी में ही रहने की संभावना है। श्रीनगर ने दर्ज की सीजन की सबसे ठंडी रात, पहलगाम में -3.4 डिग्री सेल्सियस तापमान। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि श्रीनगर में न्यूनतम तापमान पिछली रात के 1.6 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले शुक्रवार को 0.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अकाली दल का चन्नी सरकार पर आरोप, सुखबीर बादल को झूठे केसों में फंसाने की साजिश। अकाली दल ने पंजाब की चन्नी सरकार पर हमला बोला है। अकाली दल का आरोप है कि चन्नी सरकार ने सुखबीर बादल को झूठे केस में फंसाने का प्लान बनाया है। गौतम बुद्ध नगर जिले में डेंगू के 7 नए मामले, आपको बता दें कुल केस 558 से ज्यादा। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में शुक्रवार को डेंगू के 7 नए मामले सामने आए हैं, जिससे डेंगू के मामले बढ़कर 558 हो गए। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया।